कैसे पेपर कैसा था? पेपर बढ़िया था, सरल पेपर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कठिन आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, और मैथ सरल आ रहा है, रीजनिंग सरल आ रही है। ठीक है, मैथ में बताइए। मैथ में लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहा है एक, और एवरेज से आ रहा है, कार्य समय से आ रहा है, और चक्रवृद्धि दो आए थे। चक्रवृद्धि ब्याज दो आए थे। हाँ, और एडवांस का? एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कंप्यूटर में MS वर्ड से और MS एक्सेल से ज़्यादा आ रहा है। पूछ रहा हूँ मैथ से कोई और कोई एडवांस का? और एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं मैथ से। रीजनिंग एक आया था, संभव त्रिभुज का सरलता, उसको ज़्यादा कठिन नहीं था। तो उसमें क्या पूछा था? वो दो संभव भुजा दो दी थी और तीसरी भुजा पूछी थी। अच्छा, और ये रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग बिल्कुल सरल थी, फिगर काउंटिंग ज़्यादा आ रहा था, मतलब दो तीन क्वेश्चन आए थे फिगर काउंटिंग सरल आए थे, कोई लाइनें गिननी थी और कोई नहीं है। आयत का आया था, दो त्रिभुज के आए थे। अच्छा, आयत के आए थे और दो त्रिभुज के आए थे, मतलब ये फिगर काउंटिंग। हाँ, फिगर काउंटिंग। और कोई? और कुछ नहीं, और नॉर्मल लीनिंग थी। कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई थी, बेस ही आई थी, मतलब सीरीज में थी बस, और कोई डिकोडिंग नहीं। सीरीज आई थी? नहीं, बेस सीरीज में थी, मतलब कौन सा गलत है, आगे की सीरीज क्या होगी, वो वाली सीरीज नहीं थी, ये भी वाली वो नहीं थी। वो नहीं थी। हाँ, मतलब कैसी थी? सरल थी बिल्कुल, ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लग रहा था मैथ रीजनिंग में। और क्या था रीजनिंग में? और रीजनिंग में कुछ नहीं था, मतलब जीके में MP के दो तीन क्वेश्चन आए थे, सरल आए थे, और कुछ नहीं। और करंट के तो दो तीन आए थे, मतलब और ज़्यादा वो नहीं। जी, इंडिया का था? इंडिया का करंट था, MP का करंट नहीं था। कैसा था कुछ क्वेश्चन आया था? हाँ, वो आया था कौन, दो हज़ार तेरह वो है, अभी कौन सी यूनिवर्सिटी को वो लिया प्रथम रैंक में लिया विश्व में? अच्छा, पहला यूनिवर्सिटी। और बाकी ये कंप्यूटर कैसा था? कंप्यूटर सरल था, MS वर्ड से और MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, HTML से। हाँ, सरल है, सरल क्वेश्चन थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। प्रबंधन है थोड़ा उपभोक्ता मामले से ज़्यादा पूछ रहा है ना, मतलब वो सबसे ज़्यादा बाजार रणनीति पे ध्यान दे रहा है ज़्यादा, कुछ नहीं। और उसका मेन वो है ना कि व्यापार में जो बाजार नीति है, वो पूरी बाजार नीति को देखना चाह रहा है कि बच्चों में कैसी बाजार नीति के बारे में पूरा पूछ रहा है, बाजार नीति के कैसे लागू करने के लिए अपन। हाँ, वैश्वीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब और कुछ नहीं, वो वैश्विक प्रबंधन नहीं पूछ रहा है, मतलब बेसिक ही नहीं। वो मोदी के कॉन्टैक्ट में चल रहा है बाजार विश्व नीति के हिसाब से, लेवल विश्व लेवल पर वो पूछ रहा है ना, उसकी प्रबंधन की वर्ल्ड के हिसाब से। हाँ, नॉर्मल नहीं पूछ सकता, मतलब नॉर्मल पढ़ कर नहीं कर सकता नहीं, उससे तो वो इसका अपने मन से, मतलब नॉर्मल ज्ञान होगा वो प्रबंधन कर देगा, मतलब जो एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस है, वो न्यूज़ देखता होगा ना, मतलब जो उससे हिसाब से वो हिसाब से पूछ रहा है, रट के प्रबंधन नहीं होगा, उसे तो समझ के ही हो जाएगा, सरल क्वेश्चन है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन याद है प्रबंधन कोई सा? नहीं, ऐसे नहीं, उसकी तो मतलब लाइन बड़ी बड़ी होती है, बड़ी होती है लाइन, याद भी नहीं हो पाती, वो एक्चुअल लैंग्वेज होती है। अच्छा, इंग्लिश में कैसा है? इंग्लिश में मेरे को पता नहीं, मैंने इंग्लिश कमज़ोर है ना। अच्छा, मतलब इंग्लिश में करेक्ट ही चार आए थे करेक्ट वाले, बस करेक्ट करना है उनमें कौन सा, मतलब जैसे आते ना अपन हिंदी में आते हैं वैसे ही करेक्ट आए थे, हिंदी नॉर्मल आई थी, शुद्ध शुद्ध। हाँ, शुद्ध शुद्ध, मतलब सिक्वेंस वाले आए थे क्या, मतलब सिक्वेंस आए थे, PQRS वाले आए थे चार पाँच। और बाकी अलंकार, ये अलंकार, एक अलंकार नहीं नहीं, एक छंद आया था, छंद आया था। हाँ, कैसा पूछा था? वो तो पूछा था सवैया आया को उल्लाला छंद। अच्छा, उल्लाला। हाँ, बस एक ही तो, एक ही छंद आया था, वाच ज़्यादा आ रहा है ना, वाच वाला सवाल ज़्यादा आ रहा है, वाच कृतवाच कर्मवाच वाले वो ज़्यादा पूछ, दो पाँच छः सवाल थे। और क्रिया से आया था कोई? हाँ, क्रिया से एक था, कौन सा पूछी थी, इसमें कौन सी क्रिया है, ऑप्शन ऑप्शन क्या थे, सकर्म कर्म ऐसा कुछ था? हाँ नहीं, सकर्म ये नहीं था, वो उसमें क्रिया पूछी थी, इस कौन सी क्रिया का, वो ऑप्शन में ही था, वो तीनों ऑप्शन थे, उसमें राइट लगाना था, और कोई वैसे नहीं पूछा। अच्छा, और बाकी कंप्यूटर को कुछ भी याद है? कंप्यूटर के ऐसा याद नहीं है वैसे, नहीं कुछ ज़्यादा होती है ना, वो याद नहीं हो पाता है। आउटपुट इनपुट विंडो नहीं, विंडो नहीं, MS नहीं, MS Excel से और HTML से ज़्यादा पूछ रहे थे। अच्छा, HTML? हाँ, HTML से ज़्यादा पूछ रहा है। और Excel से। अच्छा, मतलब और बाकी ये के वो उसको सुनो ज़्यादा बोल नहीं। और अच्छा, ये पूछा था क्या लैन मैन वैन ये जो होते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था, नहीं नहीं, नोट पोर्ट कोई नहीं क्वेश्चन था। अच्छा, और बाकी रीजनिंग? रीजनिंग सरल थी, हिंदी सरल थी, ज़्यादा नहीं है, मतलब हिंदी में कुछ कठिन लगा? कुछ भी कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा। तो आपके नंबर? मेरे तो 120 आए, मैं तो मतलब इस प्रोफेशन में ही नहीं, आठ विषय हो गए तभी से छोड़ दी कहानी इसके। 120 नंबर है यहाँ के हाईएस्ट भैया। ओके, थैंक यू, चलिए ठीक। हाँ, बोला मैंने।
वो ट्रेड के बारे में पूछ रहा है ना, बाजार पर जो रणनीति लागू करती हैं व्यापारी मतलब, तो उसमें कैसे लाभ होगा, कैसे वो करना है। अब मुद्रा स्फीति का और मुद्रा प्रणाली के बारे में उसका जो पूछने का वो है मकसद, उसका बाजार मुद्रा हाँ मुद्रा बाजार के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। और कुछ ऐसा करंट का दिया मोदी में जो किया? नहीं नहीं, वो करंट का नहीं दिया था मोदी का बार, वो तो उसकी रणनीति के हिसाब से लेबल ले रहा है प्रबंधक, मतलब तुम्हें सेटल कैसे करना बाजार में, कैसे अपने दिमाग से और कुछ नहीं, और ज़्यादा बस मतलब वो नहीं पूछ रहा, किताबी भाषा नहीं पूछ रहा है। अच्छा मैथ में क्या मतलब नॉर्मल क्वेश्चन बन रहा है? नॉर्मल में बिल्कुल सरल है, मैथ में जिसने भी पढ़ा है ना उसे छूटने रहा है, एक आध क्वेश्चन तो मतलब वो नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे पर छूट जाते, वो वाली बात नहीं है। मेरे से एक क्वेश्चन छूटा था बस, और कुछ नहीं छूटा मेरे से। नहीं नॉर्मल बच्चों से नहीं बन रहा है, कह रहा है मैथ टफ है, आपको क्या बैकग्राउंड था? तो फिर पेपर देने ही नहीं आना चाहिए उनको। नहीं मतलब बैकग्राउंड था क्या? नहीं मेरा तो मैथ का बैकग्राउंड है, और साइंस भी अच्छा आया था, सरल आया था साइंस भी। हाँ साइंस साइंस सरल आया था, साइंस में तो एनजाम फैनजाम जो नॉर्मल साइंस है, स्टैटिक साइंस है, वही स्पीडी से पढ़ लो, वही साइंस आया था। मतलब साइंस सरल है? हाँ साइंस सरल है। कोई क्वेश्चन याद है कोई सा? नहीं नहीं वैसे कुछ है, एनजाम के वाले पूछा था कौन सा एनजाम है, एनजाम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा नहीं है। और कोई सा जैविक है, प्रकाश संश्लेषण है, ऐसे नॉर्मल लूसेंट का पूरा पूछा, लूसेंट का मतलब। और ऑप्शन मतलब देने के उनका तरीका वो याद नहीं रहते हैं इतनी जल्दी, पेपर का टाइम के हिसाब से कोई देखता नहीं है। अच्छा और बाकी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसका? नहीं नहीं केमिस्ट्री का ना फिजिक्स का था, वो बायोलॉजी का था, बायोलॉजी पूरी बायोलॉजी एंजाइम से पूरा एंजाइम से हार्डेड और मतलब जो कोई नहीं था हाँ जे वो कौन सा कोई उसने कुछ वो नहीं पूछा है, मॉडर्न फॉर्न बायो कोई नहीं, फिजिक्स कोई कुछ नहीं। अच्छा मतलब ज़्यादा नहीं करना? नहीं नहीं बायोलॉजी पूछा सरल, वो केवल ह्यूमन सिस्टम से पूछा पूरा, बॉडी का बना था क्रिया प्रिया वाले किडनी फिडनी के बारे में क्वेश्चन अच्छा, था मतलब ये बॉडी से पूछा और कुछ नहीं, एंजाइम और हार्डवेयर है बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए थैंक थैंक यू।